क्यूआर कोड में होगी पूरी कुंडली। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा आप थंबनेल देख रहे हैं, इसमें क्या लिखता है कि अब बदल जाएगा आपका पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर बदल जाएगा। हाँ, यदि आपके पास पैन कार्ड होगा है ना, तो जरूर बदल जाएगा। तो कैसे बदलेगा, क्या इसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा, क्या इसके लिए फिर से आपको ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ेगा, क्या इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, भुगतान करने की जरूरत पड़ेगा, तो आगे हम देखेंगे इस वीडियो में क्या कहता है ना, आपको सब बताएंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। दोस्तों बता दे कि आपके पास जरूर पैन कार्ड होगा है ना। पैन कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज होता है, डॉक्यूमेंट होता है। तो अब पैन कार्ड में क्या होगा, क्यूआर कोड, देखिए यहां देख रहे हैं क्यूआर कोड, तो इस तरह से पैन कार्ड में क्यूआर कोड लगा रहेगा। क्यूआर कोड लगे रहने से डिजिटल प्रक्रिया बहुत आसानी से होती है। तो सरकार ने सभी पैन कार्ड को डिजिटल करने के लिए क्यूआर कोड लेस करेगा, क्यूआर कोड डालेगा है ना, आपके पैन कार्ड में क्यूआर कोड रहेगा। इसके लिए पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। मतलब कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो पहले से पैन है उसको डिजिटल करने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए है ना, एक परियोजना को मंजूरी दिया गया है, काम करने के लिए एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है ना। तो उसका नाम रखा गया है पैन 2.0 प्रोजेक्ट। दोस्तों यहाँ देखिए, अब बदलना होगा अपना पैन कार्ड, यहाँ लिखा हुआ है कि आपका पैन कार्ड बदलना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बहुत डरने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पैन कार्ड हम कैसे बदलेंगे। मतलब जो आपके पास पैन कार्ड है वह पुराना हो चुका है, मतलब आपको फिर से पैन कार्ड मिलेगा, तो कब से मिलेगा तो ये भी बात करेंगे। क्या कुछ भुगतान करना पड़ेगा, मतलब नए पैन कार्ड के लिए आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, तो इस प्रक्रिया के बारे में आपको बताने वाले हैं। आपके मन में जितने भी प्रश्न होंगे, सभी प्रश्नों का जवाब हम देने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों बस आपको इस वीडियो को देखना है, और आपसे हम गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हजूरी विनती करते हैं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। बात रही यहाँ देखिए कि जो पैन कार्ड क्या होता है, तो थोड़ा बता दे, पैन कार्ड एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। पैन कार्ड है ना, एक प्रकार का समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बैंक से जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट होता है, आपके खाता से जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट होता है ना। और बता दे कि यदि आपके कोई भी खाता है, बैंक खाता मतलब कोई भी बैंक में, एक बैंक, दो बैंक, तीन बैंक, जितने भी बैंक में खाते हैं सबसे अटैच रहता है। एक बार पैन कार्ड डालिए, आपका सारा डिटेल्स निकल जाएगा, ठीक है। यदि आप ITR फाइल करते होंगे तो आप देखे होंगे कि पैन कार्ड नंबर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे तो आपका पूरा 26 EAS निकल जाएगा है ना। इसमें क्या दिखाएगा कि आप जितने भी बैंक में आप खाता संचालन कर रहे हैं, खाता खुलवाए हैं, पैसा रखे हैं, सारा निकल जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। तो हमको लगता है कि आप जब वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास भी पैन कार्ड होगा, हर आदमी के पास पैन कार्ड होना जरूरी है। बैंक में यदि आप खाता खुलाते हैं तो पैन कार्ड की जरूरत होता ही है। बैंक में पैसा सेविंग करते हैं तो पैन कार्ड की जरूरत होता ही है। आप नौकरी चाकरी कहीं कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, तो पैन कार्ड की जरूरत होता ही है, ठीक है। तो पैन कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, एक बहुत आसान प्रक्रिया हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए और आपके लिए भी है ना। और अभी जो बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है ना, वो रुकेगा। देखिए यहाँ कहता है दोस्तों कि पैन कार्ड अब QR कोड के साथ जारी होगा। अब जो पैन कार्ड है QR कोड के साथ जारी होगा। QR कोड क्या होता है कि आप स्कैन करेंगे आपका डाटा निकल जाएगा, जैसे QR कोड को स्कैन करेंगे आपका डाटा उसमें दिखने लगेगा, ठीक है। जैसे आधार कार्ड में होता है QR कोड होता है, उसी तरह से पैन कार्ड में भी QR कोड रहेगा। इसके लिए है ना अपग्रेड होने की प्रक्रिया चालू कर दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को पैन कार्ड को अपग्रेड करने के लिए पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दी है। पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इसके लिए पैसा की खर्च होगा तो गवर्नमेंट उठाएगी। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पैन कार्ड में अब QR कोड के साथ जारी किए जाएंगे। पैन कार्ड अब QR कोड के साथ जारी किए जाएंगे। पैन कार्ड में QR कोड रहेगा, ठीक है। पैन कार्ड में क्या होगा दोस्तों, QR कोड, जैसे QR कोड को स्कैन करेंगे सारा उसमें जो कुंडली है वो निकल जाएगा, ठीक है, एक झटके में। जिनके पास पुराने पैन कार्ड है, तो अभी तो सबके पास पुराने ही पैन कार्ड है, तो जिनके पास पुराने पैन कार्ड है उन्हें QR कोड वाला नए पैन कार्ड मुफ्त में दिए जाएंगे। मतलब फ्री में डिलीवरी होगा, फ्री में मिलेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका पैन कार्ड अपग्रेड हो जाएगा
है ना, तो आपको डाक से भेज दिया जाएगा आपके एड्रेस पर, ठीक है, मुफ्त फ्री। इस पूरी परियोजना पर 1,435 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। देश में ये बहुत बड़ी संख्या में पैन कार्ड है, तो पूरे पैन कार्ड को अपग्रेड करने के लिए 1,435 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, 1,435 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अभी जो पैन कार्ड है, जो सॉफ्टवेयर काम करता है, वह 15 से 20 साल पुराने हैं, ठीक है, तो अभी लेटेस्ट सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ डिजिटल होना चाहिए, सब कुछ तुरंत जानकारी मिलने वाला होना चाहिए, और हम कभी कभी फंसते हैं फ्रॉड में, वो रुकना चाहिए। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि अभी तक पैन कार्ड को ऑपरेट करने वाले सॉफ्टवेयर 15 से 20 साल पुराने हैं। अभी तक जितने भी पैन कार्ड को ऑपरेट करने वाले सॉफ्टवेयर है वह 15 से 20 साल पुराने हैं, जिनमें कई तरह की परेशानी आती है। नए सिस्टम के तहत पैन कार्ड से जुड़ी सारी व्यवस्थाओं को डिजिटल रूप से तैयार किया जाएगा, जिससे शिकायतों का समय पर निस्तारण हो सकेगा। मतलब शिकायत क्या होता है, पैन कार्ड से जुड़ा मामला कभी आता है, हमेशा आता है, अभी पेपर में देखेंगे कि बहुत लोग फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं, है ना, डिटेल्स मांग लेते हैं, नहीं भी मांगते फिर भी उनके पास कैसे चला जाता है पता नहीं चलता है। तो ऐसी मामलों में जो समस्या का सुधार करना है, तो जो फ्रॉड को रोकना है, इसमें बहुत सहयोग करेगा, इसीलिए पैन 2.0 प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई है। सबका पैन कार्ड अब बदलने वाला है ना, इसके लिए आपको 1 रुपया भी भुगतान करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नया पैन कार्ड दिया जाएगा, आपके एड्रेस पर भेजा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपके पैन कार्ड में अब क्या होगा, QR कोड होगा, QR कोड में होगी पूरी कुंडली,